वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर। आपके आज डिमांड पे मैं एक बहुत ही छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें बनाए रहा हूँ कि बहुत बच्चों ने पूछ रहा है बार बार कि सर वाला या वाली है कैसे बोलें। मैं अंग्रेजी पढ़ने वाला हूँ, वह रोने वाली है, वह जाने वाली है, वो पढ़ने वाला था, वो खेलने वाला था, वो हंसने वाला था, वो गाने वाला था, वो रोने वाला था, वो दौड़ने वाला था, वो पढ़ने वाली थी, तुम लोग पढ़ने वाले हो, तुम लोग पढ़ने वाले थे, वो लोग हंसने वाले थे, तुम लोग हंसने वाले थे। तो इस तरह से एक वाला वाली का सेंटेंस कि पढ़ने वाले हो, पढ़ने वाले थे, वो आने वाला है, आने वाली थी। तो हम लोग आखिर इजेमार वाजवेयर का यूज कैसे करते हैं अंग्रेजी बोलने में, कैसे करें अंग्रेजी लिखने में, उस पर एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत करो। पूरा वीडियो देखो तब समझ बेहतर आएगा। देखते हैं गौर से क्या करना है कि हमने कहा कि वाला वाली, वाला वाली को कैसे अंग्रेजी में बोला जाए। तो सबसे पहला काम यह करना है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ अगर टू प्लस वी वन अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए तो इसका सेंस होगा वाला या वाली, या फिर कभी कभी ना है का सेंस देगा। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं, तो मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूं तो आप प्रयोग कर सकते हो आई एम टू स्पीक इंग्लिश। मैं तुमसे मिलने वाला हूँ, आई एम टू मीट यू। मैं वहाँ जाने वाला हूँ, आई एम टू गो देयर। वह यहाँ आने वाला है, ही इज टू कम हेयर, सी इज टू कम हेयर। तो इसके थ्रू आप बोल सकते हो जितना मर्जी करे उतना अंग्रेजी। अगर यहाँ पे हम इज एम आर हटा दें राइट और लगा दें सब्जेक्ट प्लस वाज वर, तो वाज सिंगुलर है और वर प्लूरल है। तो हमने कहा वह पढ़ने वाला था, He was to read। वह अंग्रेजी पढ़ने वाला था, He was to read English। तो यहाँ पे है की जगह पे था का प्रयोग कर देंगे, ना है के स्थान पे ना था का प्रयोग कर देंगे, है ना। जैसे यार मुझे पढ़ना था, I was to read। क्लियर। वह जाने वाला था तो He was to go देयर। वह वहाँ जाने वाला था, ही वॉज टू गो देयर। तुम लोग अंग्रेजी बोलने वाले थे, ऑल ऑफ यू वर टू स्पीक इंग्लिश, है ना। यू वर टू स्पीक इंग्लिश, ऑल ऑफ यू वर टू स्पीक इंग्लिश। मैं मिलने वाला था, आई वॉज टू मीट यू। वह आने वाली थी, सी वॉज टू कम टू हेयर चाहे मी। ठीक है, इस तरह से आप जितना मर्जी बोलो अंग्रेजी आप बोल सकते हो। इस पे एक स्ट्रक्चर और प्रयोग हो सकता है और वो क्या है, वो आप जगह प्रयास करें। जैसे बोलते हैं वह मरने ही वाला है, वह जाने ही वाला है, वह खाने ही वाला है। तो जहां पे हम लोग एक्शन बिल्कुल होने होने को है उस केस में हम लोग अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ अगर अबाउट टू का प्रयोग कर दिया जाए और सब्जेक्ट प्लस वाज और वर, वाज वर के साथ अबाउट टू का प्रयोग किया जाए तो यहां पे जो सेंस होगा वो सेंस हो जाता है ही वाला। कॉपी कलम निकालो और लिख लो, क्योंकि मैं बोलूंगा लिखूंगा सारा काम। आपका काम क्या है, आप शिकायत करते हो कि सर वीडियो नहीं मिलता, तो सब्सक्राइब करो ना, बेल आइकन दबा लो, सब मिल जाएगा। आप हमेशा लाइक शेयर करें ताकि पूरे भारत बच्चे देख पाए। हमने कहा कि वह मरने ही वाला है, ही इज अबाउट टू डाई। हमने क्या कहा, तुम पढ़ने ही वाले हो, यू आर टू नहीं, यू आर अबाउट टू। अब यहां जितना मन कर जोड़ दो, यू आर अबाउट टू रीड, तुम पढ़ने ही वाले हो, तुम खाने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू ईट, तुम सोने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू स्लीप, तुम खेलने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू प्ले। यहां वर लगा दो, यू आर अबाउट टू प्ले, यू आर अबाउट टू गो, यू वर अबाउट टू गो, ऐसी हजार बनाइए आप। यू वर अबाउट टू गो, यू वर अबाउट टू रीड, यू वर अबाउट टू स्लीप, यू वर अबाउट टू डांस,
ठीक है। अगर सिंगुलर है तो शी वॉज, सी के साथ वॉज लगाते हैं, शी वॉज अबाउट टू कम, शी वॉज अबाउट टू डांस, शी वॉज अबाउट टू प्ले, शी वॉज अबाउट टू रीड, वट एवर कम्स योर माइंड। आप अंग्रेजी एक एक कदम चलो, जब एक एक कदम चलोगे ना तो अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। बस चलना सीखना हम लोगों को बच्चे, अंग्रेजी बहुत आसान है। बस मैं आपको ये छोटा वीडियो आपके डिमांड पर मैं आपको दे रहा हूँ कि आखिर बाला और ही बाला को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, ताकि आप सीख सको। एक बार पूरा तूफान नहीं करना, धीरे धीरे जब चलोगे तो तूफान मचा सकते हो। इस वीडियो को उन बच्चों को दीजिए जिनको जरूरत है, और आपने डिमांड किया था, हमने आपको प्यार किया और आपको हमने बनाया वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही आप डिमांड करते रहें, मैं वीडियो मिलेगा। जिन बच्चों को वीडियो नहीं बन पाता, तो दो चार बच्चे अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं वीडियो बना देता हूँ। ऐसे बनते रहेंगे वीडियो, आप कमेंट करते रहें, आप इंतजार करें, गुस्सा न करें, हमेशा अच्छे हैं, अच्छे बने और अच्छा करने का प्रयास करें। पूरे भारत में हर बच्चों को दीजिए, आप हैं तो मैं हूँ, आपके बल पर मैं चल रहा हूँ, आप सबसे अच्छे हैं और सबसे अच्छे बने। और धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए हैं और आपके लिए काम करते हैं, ठीक है। फिर मिलते, नमस्कार, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।